कालू उसकी पत्नी टुनटुनी रहते थे, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी सड़क दुर्घटना में पूरी तरह घायल हो जाती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। जब डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए कालू जी, आपकी पत्नी के ऑपरेशन में पूरे 20 लाख रुपए लगेंगे, जब ही ये पूरी तरह ठीक हो पाएंगी। इतने सारे पैसे सुनकर वो दंग रह जाता है, लेकिन वो टुनटुनी के इलाज के लिए अपना घर और दुकान सब बेच देता है। लेकिन जब भी पैसे पूरे नहीं हो पाते, रात हो जाती है। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अब तू ही मुझे कुछ रास्ता दिखा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 46x5 कितने होते हैं। अगली सुबह कालू एक बैग में 20 लाख रुपए भर के लाता है और हॉस्पिटल में जमा कर देता है। कालू, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, तुम जल्दी उसको घर ले जा सकते हो। फिर वो सीधे हॉस्पिटल से निकलकर एक टूटे फूटे शौचालय में जाता है, जहाँ एक टॉयलेट होता है। सुनहरा टॉयलेट, मेरे पास घर नहीं है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं घर बना सकूं। ये कहते ही सुनहरे टॉयलेट से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। कालू पैसों को लेकर एक शानदार घर बनवाता है। उसके बाद कालू टुनटुनी को घर ले जाता है। अरे वाह, कितना अच्छा घर है, लेकिन इतना सारा पैसा आप कहाँ से लाए? जहाँ तक मुझे पता था, मेरे इलाज में हमारा घर दुकान सब बिक गया था, कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? ये सुनकर कालू टुनटुनी को उसी शौचालय में ले जाता है, जहाँ सुनहरा टॉयलेट था। घर और दुकान बेचने पर भी पैसे पूरे नहीं हुए थे, और ना ही मुझे कहीं से मदद मिली। उस रात बारिश तेज हो रही थी, तब मैं उस बाथरूम में छुप गया और पता ही नहीं चला, कब आँख लग गई। फिर आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ आई और मैं जाग गया। कौन है, कौन रो रहा है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मौत आज से 2 साल पहले यही सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब मेरी 2 साल की बच्ची थी, बेचारे बिन माँ की बच्ची है, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने उसे आश्रम में छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची कैसी है। तुमसे पहले भी और कई पक्षी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। पर आज जब तुमने मुझे सुना तो मैं समझ गई कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरी बच्ची की देखभाल कर सकते हो? वाह, कुदरत का भी खेल अजीब है, मेरा भी कोई बच्चा नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज से वो मेरी बच्ची है। शुक्रिया, ये मेरी बच्ची है और ये है उसका पता। और हाँ, इस टॉयलेट ने मुझे तुमसे मिलाया है, इसलिए आज से ये टॉयलेट जादुई सुनहरा तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें जो चाहिए इससे वही मिलेगा। उसके बाद सुनहरे टॉयलेट से मैंने तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मांगे और घर भी बनवाया। तभी कालू टुनटुनी के माथे पर कोई डंडे से मारता है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। डंडा मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही हॉस्पिटल का डॉक्टर था जिसने टुनटुनी का इलाज किया था। मुझे तभी शक हो गया था जब इसके जैसा गरीब रातों रात पैसे ले आया। चलो इस सुनहरे टॉयलेट को यहाँ से ले जाते हैं। तभी सुनहरे टॉयलेट में से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकलती है। ए लालची डॉक्टर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने यहाँ आकर कालू टुनटुनी को मारा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उस डॉक्टर को टॉयलेट में फ्लश कर देती है और अपने जादू से टुनटुनी और कालू को होश में लाती है। कालू और टुनटुनी, उस डॉक्टर को मैंने उसकी सजा दे दी है, अब मैं जा रही हूँ। तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना, और हाँ, ये सुनहरा शौचालय अपने पास रखो, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम इससे मांग लेना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी और कालू पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले
भूतियापुर में तीन भूतिया बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत ही जालिम और दुष्ट थी। पक्षियों को मारने के साथ साथ वो उनको परेशान किया करती थी। धीरे धीरे इन तीनों की शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन उनसे तंग आकर वहाँ के सरदार भूतिया टुन्नू चढ़ा की आत्मा ने उन्हें सजा देने का फैसला किया। तुम तीनों ने भूतियापुर के पक्षियों का जीना हराम कर रखा है, इसलिए अब मैं तुम तीनों को भूतियापुर में एक बल भी नहीं रहने दूंगा। फिर वो तीनों बहनों के सर के सारे बाल काट कर उन्हें गंजी बना देता है और उनके सर पर जादुई तेल छिड़क देता है। अब तुम तीनों हमेशा इसी तरह गंजी रहोगी, तुम्हारे सर पर कभी बाल नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें ये सजा इसलिए दी है ताकि अपने गंजेपन को देख तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो। चलो अब यहाँ से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम तीनों को फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन तीनों बहनों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 32x9 कितने होते हैं। बहुत भूख लग रही है, इस जंगल में तो हमें कोई पक्षी नहीं मिलेगा। चलो जंगल से बाहर निकलकर किसी गांव में पक्षी को ढूंढते हैं। फिर वो तीनों जंगल के पास वाले गांव में पहुंच जाती है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सभी पक्षी आराम से अपने घरों में सो रहे थे। इस समय सब अपने घरों में सो रहे हैं, यही अच्छा मौका है। चलो सामने वाले घर में जाकर घर के अंदर मौजूद पक्षियों को उठाकर जंगल ले चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। वो घर कालू कौए का था। वो उस वक्त अपनी पत्नी के साथ चरपाई पर सो रहा था। तीनों बहनें चरपाई उठाकर निकलकर जंगल की ओर जाने लगती हैं। तभी अचानक उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा मेरी चरपाई को उठा कर लेकर जा रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं जी, ये बिल्कुल हकीकत है, लगता ही हमें मार कर खाना चाहती है। हाँ तूने सही कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हम तुम दोनों को मार कर अपना पेट भरेंगे। अरे अरे नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अरे गाँव वालों देखो, ये मुझे और मेरी पत्नी को पकड़ कर ले जा रही है। अरे कोई तो बचा लो हमें, हमारी मदद करो। फिर वो तीनों भूतिया बहनें दोनों पति पत्नी को जंगल में ले जाकर उन्हें मारकर खा जाती है। आज बड़े दिनों बाद पेट भरा है, कल से हम रोज इसी गांव में जाकर पक्षियों को शिकार करेंगे। फिर अगले दिन से रोज रात को तीनों भूतिया बहनें गांव में जाकर पक्षियों को पकड़कर जंगल ले जाने लगती है। इस तरह धीरे धीरे वो तीनों कई पक्षियों को मारकर खा जाती है। इस तरह हमारी बस्ती के पक्षी अचानक कहाँ गायब हो रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा। वैसे हमारे गांव के चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की मदद से हमें सारी बात मालूम हो सकती है। फिर सभी गांव वाले सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तीनों गंजी भूतिया चिड़िया की आत्मा है, कालू को उठाकर जंगल की ओर ले जा रही है। हमें फौरन इन भूतिया चिड़िया की आत्मा को ठिकाने लगाना होगा। फिर अगली रात सभी गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह जाल बिछाकर बैठ जाते हैं। करीब आधी रात को तीनों भूतिया बहनें बंटी के घर में घुसकर उससे और उसकी बीवी बच्चों को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगती हैं। तभी अचानक गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और उनकी आंखों में लाल मिर्च डाल देते हैं। अरे मार डालो रे, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, ये गांव वाले तो बहुत चालाक निकले। चलो बहनों यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन गांव वाले उन तीनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद वो उनकी पिटाई करते हुए तीनों भूतिया बहनों को आग से जलाते हुए बड़े गड्ढे में फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों भूतिया बहनें जलकर राख हो जाती हैं और उन्हें अपनी गलती की सजा मिल जाती है। एक बार की ब...
बात है, एक गांव में हरी नाम का एक तोता रहता था। वो चूड़ियां बेचने का काम करता था। वो आसपास के गांव में भी चूड़ियां बेचने के लिए जाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो जंगल के रास्ते के पास वाले गांव में जा रहा था। वो पहले कभी उस गांव में नहीं गया था। चलते चलते रात हो गई। उस दिन बहुत अंधेरा था क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। अचानक से तेज हवा चलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, कोई तूफान तो नहीं आ रहा? तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है। लगता है बारिश होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, यही पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वो एक पेड़ के पास रुक गया। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हरी को बहुत डर लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आसमान से कुछ तो नीचे गिर रहा है। अरे ये बारिश तो हो ही नहीं रही, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, ये क्या गिर रहा है आसमान से? तभी एक बहुत भारी चीज हरी के ऊपर आ गिरी। वो उसके बोझ से वहीं गिर गया और हिल भी नहीं पा रहा था। उसने देखा कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी पीठ पर बैठकर हंस रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगी। हरी किसी तरह उठकर बैठ गया। उसकी आंख से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जिससे पूरा जंगल जगमगा रहा था और उसे साफ साफ दिख रहा था। उसने देखा कि आसमान से बहुत सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा जमीन पर गिर रही थी और उसके चारों तरफ भूतिया चिड़िया की आत्मा के शरीर पड़े थे। अरे ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ बचाओ। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो, वरना आज की रात इस जंगल से जाने की हिम्मत नहीं करते। मैं पास के गांव से आया हूँ। मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये गांव श्रापित है? कुछ साल पहले गांव वालों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। इस गांव में सब जादूगर रहते थे जो भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपने वश में कर ताकत पाते थे। एक दिन उन्होंने सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा को खत्म करके अपनी शक्ति लेने की कोशिश की और फिर उन्हें ये शराब मिला कि अब से हर अमावस्या की रात को आसमान से भूतिया चिड़िया की आत्मा गिरेंगी और गांव वालों को मार देंगी। पर मैं तो इस गांव का नहीं हूँ, मतलब आप मुझे नहीं मारेंगे ना? मरना तो तुम्हें होगा। मैंने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है ताकि तुम्हें पता हो कि तुम क्यों मर रहे हो। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना आज तो मेरा मरना तय है। सुनो, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चूड़ियाँ पहन ले और फिर मुझे मारे। मैं इस तसल्ली से मरूंगा कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को भी मेरी चूड़ियाँ पसंद आ गई। चलो ठीक है, तुम अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर लो। फिर हरी तोता ने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पंखों में लाल रंग की चूड़ियां पहना दी। अगले ही पल उसके बदन में आग लग गई और वो जलने लगी। आह, जल रहा है, कोई मुझे बचाओ। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा किया है तूने मेरे साथ। ये चूड़ियां मैं देवी माँ के मंदिर से पूजा करके लाया था, अब तुम नहीं बचोगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा देखते ही देखते राग बनकर उड़ गई और ये देखकर बाकी भूतिया चिड़िया की आत्मा भी गायब हो गए। फिर हरी तोता उस श्रापित गांव से भाग गया।